बड़े लाजवाब के बन गए हैं। उसने कहा है कि भाई जसप्रीत बुमराह इस वर्ल्ड का नंबर वन बॉलर है, वो भी तीनों फॉर्मेट में। तो किसी खिलाड़ी के लिए भाई ऐसे ही कोई नहीं कह देता यार, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। 12 साल से बांग्लादेश यानी इंडिया जो है, 12 साल से अपने होम सीरीज में कभी भाई टेस्ट मैच नहीं हारा, टेस्ट मैच की सीरीज नहीं हारा। और हम पाकिस्तान की बात करें भाई, 4 साल से कोई भी होम सीरीज वो बांग्ला यानी पाकिस्तान नहीं जीता है। और पाकिस्तान को अभी बांग्लादेश उसके घर में ही 2-0 से पेल कर आई है, और बहुत बुरी तरीके से पेल कर आई है भाई। पाकिस्तान तो पूरा शौक पड़ा हुआ है यार, कैसे कैसे हो गया भाई, इंडिया ने उसको कैसे पेल दिया यार। बांग्लादेश तो हमको अभी घंटा, हमारा घंटा बजा के गई है, और इंडिया ने उसी का घंटा बजाती है भाई। ये क्या तरीका है भाई, ये स्किल्स। और भाई देखो ये किस तरीके के पिच बनाते हैं, सो अख्तर ने कहा है कि तुम लोग किस तरीके के पिच बनाते हो भाई, तुमने गेम का पूरा इंटेंट ही बदल दिया। और कहा है कि यार हमारे पाकिस्तान में तो इंटरनेशनल पिच ही नहीं है यार, जिस तरीके का काली मिट्टी का तुम पिच बनाते हो, वो दूसरे दिन बैटिंग ऑर्डर में निकल आता है, कोई बॉलिंग ऑर्डर में निकल आता है, कोई तुम्हारे यहाँ साला 34 रन पे भाई बांग्लादेश की 6 विकेट गिरा ली थी पाकिस्तान ने, और उसके बाद पाकिस्तान उस टेस्ट मैच को ही हार गया। इतनी परफॉर्मेंस बांग्लादेश ने अच्छी की थी भाई, नो डाउट। और उसके अंदर स्किल्स है, बांग्लादेश एक बहुत अच्छी टीम है, हम उसको छोटी टीम में नहीं गिनते भाई, उसके अंदर स्किल्स हैं बांग्लादेश के अंदर, तभी तो पाकिस्तान को भाई इस तरीके से पेला है, साला 2-0 से हरा के उसका घंटा बजा दिया। अब वही जो बयान दिया था सांतो ने कि हम इंडिया को उसके घर में 2-0 से हरा कर आएंगे, अब देखो रिजल्ट आपके सामने है, किस तरीके से बांग्लादेश को 2-0 से पेल दिया। और जो वर्ल्ड में हिस्ट्री जो रिकॉर्ड हुई है ना, आपको देखने को मिला इसमें कि भाई सबसे हाईएस्ट 50 जो अगर वर्ल्ड में हम देखें तो भाई वो इंडिया का नाम आए। 100 की बात करें, फास्टेस्ट 100 टेस्ट मैच में, फास्टेस्ट 100 अगर है तो उसमें इंडिया का नाम आएगा। अगर फास्टेस्ट 150 की बात करें तो उसमें इंडिया का नाम आएगा। अगर फास्ट 200 की बात करें तो भाई इंडिया का नाम आएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड लिखा जा चुका है, और अभी तक ऐसा किसी टीम ने नहीं किया है। अगर ये रिकॉर्ड कभी कोई तोड़ेगा तो सबसे पहले भाई इंडिया को, ये ऐसी परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगा कि यार कोई टीम कर पाएगी, क्योंकि भाई सिचुएशन ही इतनी अलग थी जो कि करना पड़ा। अगर ऐसा नहीं करते, ऐसी प्लानिंग नहीं करते, ऐसी रणनीति नहीं बनाते, तो इस मैच को हम लोग नहीं जीत पाते। अभी इंग्लैंड वाले भाई जैस वो क्या नाम है, बेसबॉल बहुत खेलते हैं। अगर असलियत में बेसबॉल भाई खेली है तो भाई जैस बॉल ने खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ भी, और यहाँ भी भाई बांग्लादेश के खिलाफ भी, क्योंकि पहले इनिंग में इसने 72 रन बनाए थे भाई, लाजवाब इनिंग खेली थी बंदे ने। और इस सेकेंड इनिंग में भी उसने 51 रन मारे भाई, वो भी काफी अच्छी 100+ की स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेला है भाई, लाजवाब खेला है। मैं कह रहा हूँ यही इंटेंट था तभी हम लोग जीत गए, नहीं भाई ये 90% 99.9% पूरी तरीके से मैच ड्रॉ था। और जिस तरीके से भाई ये ट्रॉफी जीती है ना, मौज कर दिया भाई। बांग्लादेश को लग रहा था कि ये मैच पूरी तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, 100% वो ये तो मान के बैठ गए थे भाई, ये मैच तो ड्रॉ हो गया, एक ही मैच हम इंडिया को जीतने देंगे, वो फर्स्ट मैच जीत चुके हैं, सेकंड मैच में हम 100% ड्रॉ को ही और ही लेकर जाएंगे। लेकिन गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और पूरी टीम ने जो प्लानिंग की थी, वो अपनी प्लानिंग पे भाई 100% उन्होंने काम किया, और जो कर दिखाया, जो नामुमकिन था उसको मुमकिन में बदल दिया भाई उन्होंने अपनी स्किल से यार। इसे कहते हैं भाई जो रणनीति उन्होंने बनाई थी उस पर 100% उतरना, क्योंकि जो मैच पूरी तरीके से हम हार चुके थे, इंडिया पूरी तरीके से मैच अपनी बिल्कुल हार चुका था भाई, कोई कहता ही नहीं यार कि ये मैच हम लोग जीत जाएंगे, और उस मैच को भाई जीत कर एक हिस्ट्री रिकॉर्ड कर दी, हिस्ट्री में जो रिकॉर्ड बना है वो कोरे कागज पे लिख चुका है। अब कोई टीम कब तोड़ेगी, कब ये रिकॉर्ड टूटेगा, जबकि जब देखी जाएगी अब तो रिकॉर्ड बन गया। बाकी 6 अक्टूबर से जो टेस्ट मैच होने वाले, वो T20 मैच होने वाले हैं बांग्लादेश के खिलाफ भाई, वो भी लाजवाब आपको देखने को मिलेंगे। क्यों?